बेल की हालत देखो रे, टमाटर के लिए एक तरह टमाटर लग रखा है और कितनी जगह बाद है देखो रे, प्राण बच रहे होंगे ना इसके। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह। मैं तो ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे को जुकाम और खांसी हो रखी है, तो आप लोग तो ठीक ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के 5 बजे, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मैं आज काफ़ी टाइम बाद गाँव आई हूँ दोस्तों। और मैं गाँव आऊँ और ब्लॉग ना बनाऊँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं गांव आई हूँ, मैं पहुँची थी 4 बजे और अभी मैं कपड़े चेंज वेंज करके छत पे आई हूँ और यहाँ धूप जाने वाली है, चली गई है ऑलमोस्ट, अब नहीं है धूप, उधर को बची हुई है मार्केट साइड और हमारे यहाँ चली गई है। मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करके छत पे ही आई हूँ अपने फूलों को देखने के लिए। मेरे फूलों की हालत ख़राब हो गई है गाइस, बिल्कुल पाले से जल चुके हैं। अब मैं इनको नीचे कहीं जहाँ पे ओपच टाइप का, मतलब जहाँ पे थोड़ा फूल बच सके पाले से, वहाँ पर रखने की सोच रही हूँ। तो ये काम आज नहीं हो सकता है, अब कल करूँगी। और अब मैं नीचे को जाती हूँ और देखती हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैं सबसे मिल के आ चुकी हूँ ऊपर, फिर भी एक बार देख लेती हूँ क्या हो रहा है नीचे काम। इतनी शाम को तो घर पहुँचे हैं और ये फिर रोटी खाने लग गए हैं। थैंक यू, हम रोटी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। अभी तो शाम को खाना ही है आपने। और ये जो रोटी है, ये आग में बनी रोटी है, इनका टेस्ट जो है आपको किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगेगा। ये आग में नहीं बनी है, ये गैस में बन रही है गैस, आप देख ये सकते राग हैं। देख सकते हैं आप, ये निशान है कि ये जो रोटी है आग में बनी है और इसका जो टेस्ट है फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। बोल तो ऐसे नहीं जैसे 5 स्टार होटल में खा के आए होंगे, कभी कभी गए भी हो 5 स्टार होटल में, कभी देखा भी गए है। हैं, देखा भी है, लेकिन खाए नहीं, क्यों खाओगे, पैसे नहीं ही खाएंगे, खाएंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। गरीब आदमी। भाई आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत काम कर रही है। यहाँ पे जो करेले की बेल थी अब वो नहीं रही, अम्मा उस तोड़ ताड़ के सब क्या टीप दे, अम्मा ने तहस तहस कर दिया। अम्मा कितने हो रहे हैं करेले, अरे वाह, आज आप करेले की सब्जी खाओगे। ओ तोड़ लागू पे। तो गाइज हम जहाँ तहाँ करेले की सब्जी खा रहे हैं और ये काफी अब पुष्ट हो चुके हैं, जब मैंने पहले तोड़े थे तब ये पुष्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब ये काफी पुष्ट हो गए हैं। तो गाइज यहाँ पे काफी हरी भरी करेले की बेल थी जो अब नहीं रही, क्योंकि अब उसका टाइम आ गया होगा तो इन्होंने उखाड़ लिया है। और कुछ कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं इनको ले लेती हूँ नीचे को। मिर्ची अभी है हमारे पास, हुआ मिर्ची अभी अवेलेबल है भाई। अब तो धूप चली गई है काफ़ी और यहाँ पे कुछ माल्टे बहुत पीले हो रहे हैं। अभी यहाँ भी करेले कुछ अटके हैं, इनको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ अगर मैं पहुँचती हूँ तो। मेरी हाइट इतनी बड़ी नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँ। पड़न देखी हमारे यहाँ तब फूल जल गया यार, सब छत मवाल जल गया नो पलाल। अच्छा इला शेल उमरी का उखाड़ दो करेला बोर्ड। चलो कपड़ डालने बाहर से तुम्हारा। आप अच्छा अच्छा तुम छत है मेरा, कहाँ खाना डाल चाय जी। अच्छा, बेल की हालत देखो रे, टमाटर के लिए एक तरह टमाटर लग रखा है और कितनी जगह बाद है देखो ना, प्राण बच रहे होंगे ना इसके। मुझे गाइस ये पिड़वा उठाने हैं और ये मिर्ची उठानी है, मैं किस में उठाऊँ समझ नहीं आ रहा। नीचे ऊपर करने में थक जाता है इंसान, क्योंकि मैं नीचे आंगन जा रही तो मैंने बोला पाला पड़ जाएगा इसको उठा लो। गाइस ये होते हैं पिड़वा, इसको पहाड़ी में गडेरी बोला जाता है और हमारी इतनी कम गडेरी हुई है आप देख सकते हैं। पता नहीं पिड़ुआ है या रड़ुआ है जो होता होगा, जो भी है सब्जी बनेगी और फिर खाएंगे। इसमें भांग डाल के बहुत टेस्टी सब्जी होती है, ये सब उठा देती हूँ या यहीं पे ढक देती हूँ, कल सुबह यहीं पे धूप में डालना पड़ेगा। जगह का काम हो गया है समाप्त, अब जाती हूँ नीचे, उठा दिया है मैंने इसको, साइड कर लिया है। A few moments later. गाइस अब मैंने चुन्नी को सर पे लपेट लिया है क्योंकि काफ़ी ठंडा होने लग गया और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है जो कानों में ही घुस रही है। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है घर आके। तो गाइस काफ़ी गंदा हो गया है और इसे झाड़ लेते हैं अब। अम्मा थोड़ा कल तोड़ोगे। तो
गाइस अब हम बनाते हैं करेले की सब्जी, और ये मैं छील देती हूँ अभी धो के, और अम्मा अभी जो काम बचा हुआ उसको ख़त्म करेगी ना अम्मा। हाँ धो पहले फिर खोलूँगा भाई, तभी तो खोलूंगी ना। एक चीज दिखानी आपको, आओ फिर नीचे, खतरनाक चीज है। बेल की हालत देखो रे, टमाटर के लिए एक तरह टमाटर लग रखा है, और कितनी जगह बाद है देखो ना, प्राण बच रहे होंगे ना इसके। बचने भी क्या शिवा दो गाइस, मैंने सारे छील दिए करेले, सारे नहीं थोड़ा बहुत, जितनी सब्जी बनती है उतने छिले हैं, और यहाँ पे मैंने निकाल दिए इसके बीज। अम्मा अगले साल के लिए काम आएंगे तुम्हारे, ओके। और आग जलाने की तैयारी होने लग गई शायद, तो बूबू लकड़ियाँ रख रहे हैं यहाँ पर से अंदर। कदू वैरायटी करेला गुद रहा है मेरी ले साओ दयो नहीं, ये कदू शाला ऊपर सुखाई बैठे मिली नहीं हो, ये करेला गुदियो। तो गाइस कितने पुराने हैं देख सकते हैं आप, ये इतने करेले के बीज का एक क्या करने वाले हैं, शायद अगले साल बगीचा लगेगा हमारे घर में। अभी ये भी फेंकने नहीं दे रहे, इनको भी रखो ही कह रहे हैं। वो क्या कर ला माँ, हाक पका ला गिल हाल इन रख दियो पप्पा, नहीं एक को बोर्ड लगनी भाई, तू रखन क्या भैया दिए कुछ रखन चाहिए ना गिल हाल, ये पे ले जा लो एक कण हो लो, ये क्षण तो हो लो ही। और अभी मैं हाथ तताई जल, और बढ़िया के आग शेकी जल लगा छिलकन में, कहीं देर न लगी नहीं। बस आप भी हमारी तरफ पहाड़ों में रहिए और आग का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छी राफ आ रही है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आग सेकने में। जो कांच वाँच होते हैं ना गाइस, जैसे कुछ भी छोटे मोटे पैकेट्स अखबार, तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, तो उससे आग अच्छी जलती है। तो मैंने छिलकों का इसमें प्रयोग नहीं किया है, और मैंने अखबारों की सहायता से और छोटे मोटे कांच के जो टुकड़े होते हैं उनकी सहायता से आग जलाई है। ऐसे बिखरते भी नहीं है और आग भी जल जाती है हमारी, इसीलिए मैंने आग में सब भड़ा दिए हैं, स्वाहा हो गया सबका आज। और मैंने कुकर में पानी रखा है अभी हाथ मुँह धोने के लिए, अभी सभी के काम आएगा, थोड़ा थोड़ा करके सब ले जाएंगे। वैसे तो अभी मैंने कुकर पे रखा है, अब ठंडा उतना नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा ठंडा होने लग जाएगा तो कंटर में पानी रखा जाएगा, क्योंकि फिर इतने छोटे कुकर से नहीं होता है ना, तो फिर कंटर में रखना पड़ता है। वैसे अभी बर्तन धोने के लिए मुझे कंटर में रखना ही पड़ेगा, ये तो सिर्फ हाथ मुँह धोने के लिए और पीने के लिए होगा शायद, इसलिए मैंने इसमें साफ़ पानी रखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है आग सेकने में, और थोड़ी देर मैंने हाथ सेक लिए अपने, अभी उतना ठंडा नहीं हो रहा है मतलब आग सेकने लायक, लेकिन ज़्यादा ठंडा बढ़ेगा अब यहाँ, क्योंकि अब सुबह सुबह पाला पड़ने लग गया है, और होने लग गया होगा सुबह शाम यहाँ ठंडा, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चलती है हमारे घर में, टॉप में घर है तो सीधे डायरेक्ट हवा हमारे घर पे ही आती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम हो रहा है, इसीलिए मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो रही है। बस अम्मा आप जीत गई हो, आपने कर दिखाया आपने अम्मा। अम्मा इसमें क्या है, किसी में कहलाई गाइस, इन्होंने केले ऐसे डाले हैं बाढ़, मुझे ऐसी हंसी आ रही है इनको देख के, सुबह इन्होंने धूप में सुखाए हैं ये, इसमें है भी कुछ चार बोर्ड ले केला से उम्मले तमिली घड़ा काट दे हाँ खुन पे ही ओ माय गॉड, कौन लाया वहां से कच्चे केले जो अच्छा अच्छा। तो गाइस शाम हो गई है और मुझे चाय बनानी है अभी सबके लिए, और शाम के टाइम हर कोई चाय पीता है, तो गांव में तो ज़्यादा ही अमल होता है चाय का, सभी लोगों को चाय तो बनानी ही पड़ेगी। तीन लोगों के लिए चाय बनानी है मैंने, अम्मा बूबू और मम्मी के लिए, पापा अभी दुकान है तो वो घर नहीं आ सकते हैं, दुकान थोड़ा दूर है हमारी, तो चाय बना लेती हूँ सबको चाय दे के। मुझे सब्जी बनानी है आग में, और आज मैं खाना बनाऊँगी आग में, क्योंकि आग का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और बनाने में भी मज़ा आता है, और आग भी सेकने का हो जाता है थोड़ा थोड़ा। गाइस गुड़ खाने का अमल तो बचपन से ही हुआ, किसी को चाय दो तो गुड़ खाना जरूरी होता है, तो मैं भी गुड़ खा रही हूँ, और अब मैं ले जाती हूँ चाय, क्योंकि चाय तैयार हो गई है मेरी। लो अम्मा पियो, आप ही को दे रही हूँ सबसे पहले, गुड़ भी लाई थी मैं इसमें जी, गुड़
ठीक है अम्मा, ठीक है मैं ले जाती हूँ। मेल खाया है तो गाइस मम्मी और बुबू हैं नीचे, आग सेक रहे हैं तो मैं उनके लिए नीचे ही लेके जाऊंगी। धो से मैल पहले खू दो बार क्या धोना क्या वो बात नहीं, चलो धो से धोते रही। ये चाबियों में डालो साथ। तो दोस्तों अभी बहुत सारी लकड़ियाँ जलाई थी हमने और बहुत सारे कोयले भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो मम्मी इन्हें भर रही है एक तवे में जो बूबू के कमरे में रखे जाएंगे सगड़ में डाल के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, इसीलिए सगड़ में डालने बहुत ज़रूरी है। और बुढ़े आदमी हुए थे उनको तो चाहिए ही थोड़ी सी आग, तो आग तो ले जा नहीं सकते, कोयले ले जाने ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी ठंडा होने लग गया है तो बूबू के लिए कोयले ले गई मम्मी अभी, और हमारी सब्जी बन रही है अभी, मैंने अभी चढ़ा रखी है सब्जी और मैं आटा गूंद रही हूँ। ये तो सारे ले गए और अब लकड़ी लगानी पड़ेगी चूल्हे में, और सब्जी भी जलने लग गई, शायद ये पक गई है इसलिए ये ताल लग रही है, तो इसे निकाल लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ सेमिया, तो ये घी जलने को आ गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ सेमिया फटाफट, कहीं जल ना जाए। शायद ज़्यादा हो गया है, आग भी ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम करना पड़ेगा इसीलिए जलने लग गया, घी कम पड़ गया शायद, थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा इसमें। अब आग पर बैठे तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है, धुआं लगता ही है, तो हम सह लेंगे, पहाड़ी आदमी तो कुछ भी सह लेता है, तो धुआं क्या चीज़ है। बिल्कुल जलने लग गया है, अब इसमें पानी दूध डाल देते हैं, अभी मैंने दूध की जगह पानी डाल दिया था इसमें। सब्जी देख पूछ रही हूँ मैं तो ये। तो गाइस मैंने आटा गूंदा है यहाँ पर दो टाइप का, एक मड़वे का आटा है एक गेहूँ का आटा है। तो ठंडियों में मड़वे का आटा बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, जुकाम ठीक होता है इससे, और बहुत चीज़ों में काम आता है, मतलब जैसे शुगर की बीमारी भी इससे ठीक होती है, जिसे शुगर होता है ना वो मड़वे का आटा मतलब रोटियाँ खाता है। तो मैंने दो टाइप का आटा गूंदा है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है मड़वे की रोटियाँ, तो आज मैं आग में बनाऊँगी मड़वे की रोटी और गेहूँ की रोटी। मड़वे की रोटी बनने लग गई है, ये मेरी दोस्ती तीसरी रोटी होगी, और इसे कोयलों में सेकते हैं, आप देख सकते हैं मैं इसे सेक रही हूँ, फूल भी दिया है। अगर आटा अच्छे से गूदा हुआ हो तो रोटियाँ फूलती भी है मड़वे की, मुझे चिमटे की आदत नहीं है तो मैं फिर हाथ से ही करती हूँ। मेरी रोटी फूली हुई भी है, गरम गरम ही खाने में ठीक रहती है, इसमें घी और नमक हो तो और ज़्यादा स्वाद आता है, लेकिन अभी शाम को तो सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी। ये मैंने बेली है, इसको बेलने में भी बहुत मेहनत लगती है गाइस, कहीं टूट जाती है क्योंकि ये बहुत कोमल टाइप की बन जाती है ना इसीलिए, और यहाँ पे मेरी रोटी फूल रही है। सो गाइस ये है मडवे की रोटी, इसमें लगा है गाय का घी और मैं आनंद ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोलो मेरी रोटी चल रही है, मड़वे की रोटी का, और काफी बेहतरीन और लजीज बनी है ये आग में, और यहाँ मेरी रोटी जल रही है, चलो ये बढ़िया हो रही है, कुड़कुड़ानी रोटी हो गई है। तो गाइस ये तो मैंने अपने लिए बनाई थी, आप हाथ मत मारो इसमें, कोई बात नहीं आज ऐसी बात। गाइस देखिए ये गाय का घी है और इसके अंदर ठूसा जा रहा है लोगों का, वाह दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक घास मेरे खाप भी डाल दो प्लीज प्लीज, इतना छोटा घास इतना छोटा, मैं पकाते पकाते ही खा लूँगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया है, अभी 8 ही बज रहा है क्योंकि आजकल रात जल्दी हो जाती है ना, इसीलिए हमने खाना भी जल्दी खा लिया था आज, और मुझे भी बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है और खांसी भी हो रही है, तो मैं अपने लिए अदरक चूल्हे में डाल के गर्म करती हूँ और मुँह में डालती हूँ, क्या पता सुबह तक ठीक हो जाए मेरी खांसी, जुकाम तो पता नहीं होता है या नहीं होता है ठीक, कोई भरोसा नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ मैं, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मेरी अगली वीडियो के लिए, मिलेंगे कल दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।